मूवी की कहानी में सभी एक एथलीट होती है और उसका सपना होता है गोल्ड जीतने का, लेकिन एक बार रेस में दौड़ते वक्त वह गिर जाती है जिससे उसका पांव फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम अब कभी रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिससे सभी का सपना टूट जाता है और वह डिप्रेशन में चली जाती है और वह जीने की तमन्ना छोड़ के सुसाइड करने का सोचती। वह हॉस्पिटल की बिल्डिंग पे चढ़ के कूदना चाहती है और वहां पर जाके खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम सत्या होता है। ये वैसे करता तो कुछ नहीं लेकिन दिल का साफ और कसिनो में बेट लगा के कुछ पैसे कमा लेता है और वो उसे कन्विंस कर लेता है सुसाइड नहीं करने के लिए। दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगती और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। दोनों लाइफ में सेटल होने की सोचते हैं। सभी भी अपने लिए काम ढूंढ लेती है, एक ओल्ड आदमी की देखरेख का काम, और सत्या को कहती है तुम भी कसिनो का काम छोड़ के कोई अच्छा सा काम ढूंढ लो, फिर हम दोनों लाइफ में सेटल हो जाएंगे। सत्या भी होटल में काम ढूंढ लेता है। सत्या का बॉस विक्टर होता है। एक बार वह विक्टर से कुछ पैसे उधार लेने जाता है। विक्टर कहता है कि तुम यह मेरा पैकेट इस एड्रेस पे पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। सत्या को 50 लाख रुपए नाम सुन के लालच आ जाता है और वह यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सत्या इस पैकेट को तय जगह पर डिलीवर देके वहां से पैसे लेके वापस विक्टर के पास आने ही वाला होता है, लेकिन बस में उसका बैग खो जाता है जिससे सत्या काफी घबरा जाता है। उसे पता होता है कि अगर उसने विक्टर को बैग नहीं दिया तो वह उसे मार डालेगा। वह सभी को फोन करता है और उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है। सभी अपने बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए दौड़ के अपने फादर के पास जाती है ताकि वह अपने पिता से पैसे लेके अपने बॉयफ्रेंड की जान बचा सके। दौड़ते हुए वह टैक्सी में बैठती है लेकिन टैक्सी वाला अपनी ही परेशानियों में बिजी होता है और उसे ले जाने से मना कर देता है। इससे सभी को गुस्सा आता है और उसकी टैक्सी का कांच तोड़ देती है और फिर वहां से आगे भागने लगती है। इसी कारण उसके पीछे पुलिस भी पड़ जाती है। वह भागते भागते अपने पिता की जिम में पहुंच जाती है और अपने पिता से पैसे देने को कहती है। जैसे ही सभी तिजोरी चेक करती है वहां पर पैसे नहीं होते क्योंकि उसके पिता ने सभी के आने से पहले ही अपनी जिम को गिरवी रखा होता है और उसे वह वापस छुड़ा लिया होता है और वह सारे पैसे उसे दे के आ गए होते हैं। एक बड़ी ज्वेलरी शॉप के मालिक के दो बेटे होते हैं लेकिन वह मालिक बहुत कंजूस होता है और अपने बेटों को पैसा नहीं देता है। इससे उसके दोनों बेटे उसकी खुद की दुकान को लूटने की सोचते हैं और वो उसे लूटने के लिए नकली बंदूक के साथ कुछ प्लान बनाते हैं। और दूसरी तरफ सभी अपने पिता के मना करने के बाद जैसे ही बाहर निकलती है तभी उसे वह पुलिस वाला देख लेता है क्योंकि वह एक कार का इंडिकेटर तोड़ के आई होती है और वह वापस उसके पीछे पड़ जाता है। वह भागते भागते एक शादी में पहुंच जाती है लेकिन दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड सत्या पैसों का इंतजाम करने के लिए एक ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्लान बनाता है और ये वही ज्वेलरी शॉप होती है जिसके उस मालिक के दोनों बेटे भी उसी ज्वेलरी शॉप को लूटना चाहते हैं। जैसे ही सत्या उस ज्वेलरी शॉप को लूट के बाहर निकलता है तभी उसे सभी भी वहां मिल जाती है। ज्वेलरी शॉप के ओनर के दोनों बेटे से भी उसका आमना सामना हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताक के खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी सत्या को ज्वेलरी शॉप का ओनर पीछे से गोली मार देता है और सत्या की डेथ हो जाती है। लेकिन जैसे ही सत्या की डेथ होती है सभी अपने आप को वापस उसी जगह पाती है जहां पर यह सब शुरू हुआ था और उसे तुरंत सत्या का फोन आता है कि उससे वह बैग गुम गया और उसे 50 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन सभी को यह कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन फिर भी वह सत्या की जान बचाने के लिए वापस दौड़ना शुरू करती है और पैसे का ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन सभी जैसे ही भागना शुरू करती है सत्या की जान बचाने के लिए वह भागते भागते वापस उसी टैक्सी वाले के पास पहुंच जाती है जिससे वह पहले मिली थी और उस टैक्सी वाले का नाम जैकब होता है। लेकिन तभी सभी को वह पुलिस वाला पकड़ लेता है और वह उसी के साथ उसी टैक्सी में बैठ जाता है और अपनी गन दिखा के उस टैक्सी वाले को टैक्सी चलाने के लिए कहता है। टैक्सी वाला जैकब पहले से ही परेशान होता है और पुलिस की दादागिरी से वह टैक्सी को काफी स्पीड से चलाता है और चलाते चलाते वह एक बस से ठुक जाता है और उसकी टैक्सी उलट जाती है। तभी सभी उस उल्टी हुई टैक्सी से बाहर निकलती है और पुलिस वाले की गन लेके अपने फादर की जिम में पहुंच जाती है और गन की नोक पे अपने फादर से पैसे लेने को कहती है। लेकिन फिर भी उसके फादर उसे पैसे नहीं देते और वह फिर से सत्या की जान बचाने के लिए भागना शुरू करती है। तभी भागते भागते वह वापस उसी शादी में पहुंच जाती है और वह दुल्हन के कमरे में पहुंच जाती है। दुल्हन का नाम जूलिया होता है और वह पहले से ही परेशान होती क्योंकि वह दोनों में से चूस नहीं कर पा रही होती किससे शादी करे। वह प्यार उस टैक्सी वाले जैकब से करती होती है लेकिन उसकी शादी किसी बैंकर से हो रही होती है। लेकिन तभी सभी उसे सजेस्ट करती है कि तुम उस बैंकर से शादी कर लो क्योंकि वह पैसे वाला है और तुम जीवन भर खुश रहोगी। लेकिन टैक्सी वाला जैकब यह बात सुन लेता है और उसे बहुत दुख होता है। सभी का बॉयफ्रेंड सत्या उस ज्वेलरी शॉप को लूट के आ जाता है और दोनों वापस मिल जाते हैं। लेकिन किस्मत से जैकब भी उसी जगह पे होता है और जूलिया से रिजेक्ट होने के बाद वह काफी डिप्रेशन में होता है और वह सभी के बॉयफ्रेंड सत्या को गोली मार देता है क्योंकि सभी ने ही उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया को सजेस्ट किया होता है उस बैंकी से शादी करने के लिए। इसलिए वह अपना बदला लेने के लिए सत्या को गोली मार देता है और सत्या की
की डेथ हो जाती। जैसे ही सत्या की डेथ होती है, वापस सभी उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पर यह सब शुरू हुआ होता। लेकिन सभी खूब सोचती है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से यह सब हो रहा है और सत्या की डेथ हो रही है। वह उस गलती को पकड़ लेती है और उन सबको सही करने की सोचती है। फिर से सभी सत्या की जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू करती है और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वह सबसे पहले अपने फादर को फोन करती है और उनसे सॉरी कहती है जो भी उसने कुछ किया उसके लिए। और भागते भागते वह वापस जेकब की टैक्सी में बैठती है और कहती है अगर तुम्हें जूलिया से शादी करनी हो तो तुरंत चलो। और जूलिया से मिलने के लिए वह जेकब की मदद करती है। जेकब भी इससे इम्प्रेस होता है और उसे अपनी टैक्सी में बिठा के डायरेक्ट जूलिया की शादी में ले चलता है। और सभी शादी में जूलिया को जेकब के साथ भगा देती है और सभी शादी में से शगुन वाला जो पैसे से भरा बैग होता है वह उसे लेके भाग जाती। उसे लेके वह सीधे कसिनो जाती है और वहां पर 8 नंबर पे उन सारे पैसे को लगा देती और सभी जीत जाती है। उसे नाम के तौर पे 50 लाख रुपए मिलते हैं। वह सारे पैसे लेके सत्या के पास पहुंच जाती और सत्या को उस ज्वेलरी शॉप से निकाल के लाती है। लेकिन तब तक उस ज्वेलरी शॉप पे पुलिस भी पहुंच जाती और वहां पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी वह सत्या को लेके वहां से निकल जाती और रास्ते में उन्हें वह होटल का मालिक मिल जाता है। वह विक्टर को उसका पैसा वाला बैग दे देते हैं जिससे विक्टर खुश हो जाता है और इनाम के तौर पे उसके थोड़ा पैसा भी दे देता है। और फाइनली सभी सत्या को यह बता देती है कि वह प्रेग्नेंट है और दोनों साथ में खुशी खुशी चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।